सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की कुछ फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लाइटिंग बहुत ही पुअर है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको आवाज़ आएगी पक्की पक्की, आपको न्यूज़ मिलेंगी सारी, इस बात का मेरा वादा है। यहाँ पर दोस्तों मैं हूँ फिलहाल वन प्लस के लॉन्च इवेंट पे और आपको वीडियो में दे ही चुका हूँ पहले उसकी, और अभी थोड़ा सा लेट भी हो गया टिकटॉक्स के लिए, लेकिन वीडियो आ जाएगी बहुत ही जल्दी जैसे ही मैं कर देता हूँ इसको एडिट। तो यहाँ पर भैया आपने वेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं लेट आया उसके लिए सॉरी, और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर दोस्तों पहला अपडेट है वो तो है ऑब्वियसली वन प्लस सिक्स को लेकर, जहाँ पर जो फ़ोन है वो भैया लॉन्च हो गया है, मेरी अनबॉक्सिंग आपके लिए आ गई है, कल शाम को आने वाली है एक और वीडियो वन प्लस के एक और स्पेशल एडिशन की जो कि है वन प्लस सिक्स के लिए, तो उसका आप करना इंतजार और वो आपको मिलेगी बहुत ही कमाल तरीके से। और यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है ऑनर की तरफ से, और ऑनर जो है वो अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाला है इंडिया में 22 मई को, और यहाँ पे भैया दो फोन होंगे ऑनर 7A और ऑनर 7C। तो देखते हैं कि यहाँ पे भैया ऑनर क्या करता है बजट रेंज में, अभी नया तो लेके आया गया है ऑनर 10, तो यहाँ पे ये है अपडेट ऑनर के लिए। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है फेसबुक स्टोरीज को लेकर, और यहाँ पे भी स्टोरीज उनको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। बेसिकली अगर आप दोस्तों कुछ पोस्ट करते हैं, मान लीजिए चाहे फोटो है चाहे कोई वीडियो है चाहे कोई इनफैक्ट ऑडियो भी है, तो भी दोस्तों अच्छे से व्यू कर सकते हैं, उसको आप सेव वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ नए अपडेट्स हैं फेसबुक स्टोरीज को लेके। लेकिन यार क्या करें, जो स्टोरीज है वो इतनी सारी हो गई हैं, फिर चाहे वो फेसबुक पे हो, फिर चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, मैंने आज तक वैसे किसी को भी यूज़ किया नहीं है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो स्टोरीज को यूज़ करने के मामले में, मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है वीवो के नॉकआउट कार्निवल को लेके, और यहाँ पे यार ये कुछ हमने नए मॉडल्स लेके आए हैं दोस्तों डिस्काउंट्स के और कैशबैक वगैरह के, कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स के ऊपर कि भैया वीवो जो है वो दे रहा है छूट। कार्निवल चल रहा है नॉकआउट वाला, लेकिन ऐसे भैया कि नॉकआउट खुद वीवो ही ना हो जाए वो हम देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ नए ये ऑप्शंस लेके आता है, क्या यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह हैं। और वीवो का वैसे एक नया फोन भी आने वाला है वो अंडर डिस्प्ले वाला, वो भी हम देखते हैं कैसे दोस्तों लॉन्च होता है वीवो अपना वो नया फोन लेके मार्केट में। फिलहाल के लिए तो भैया चल रहा है कार्निवल, लेकिन कहीं आप खुद नॉकआउट मत हो जाना इन फोन्स के चक्कर में। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल के वाईफाई नेटवर्क को लेके, और यहाँ पे दोस्तों अभी जो है वो आप चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंसेज इंडिविजुअल डिवाइसेज की, कि जो आपके इंडिविजुअल डिवाइसेज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जितने भी कनेक्टेड हैं आपके वाईफाई नेटवर्क से। और यहाँ पे अब ये काफ़ी अच्छी बात है अगर आप अपने नेटवर्क को और बारीकी से मॉनिटर करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे दोस्तों एक सर्वे कहता है कि ऑन एवरेज एक बार में 18 डिवाइसेज जो है वो कनेक्टेड होते हैं वाईफाई से, तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही एक मैं बोलूँ तो घर के लिए 18 डिवाइसेज यार बहुत ही बड़ी बात है। वैसे आप मुझे बताओ कि आपके घर में एक बार में वाईफाई से कितने डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं। तो फिर अगला अपडेट निकल के आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिंग सर्च इंजन में दोस्तों जो भी एड्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी वाले उन सभी को बैन कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज यार बहुत ही मतलब ना दिमाग ख़राब सा होता है देख देख के कि पैसा कर लो, एक का डबल इन्वेस्ट कर लो, सुबह क्लिक करो रात को क्लिक करो तो पैसा बिना कमा लो कि पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे अभी ये जो एड्स हैं वो ब्लॉक किए हैं, तो अच्छी बात है गूगल पे फेसबुक पे अगर हमको कहीं पर भी एड्स देखने को ना मिले तो ये काफ़ी अच्छा होगा उन मासूम लोगों के लिए जो बेचारे अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया के एक इवेंट को लेके, जो कि होने वाला है भैया 29 मई को, और यहाँ पर दोस्तों कुछ नए फोन को शायद देखने को मिल सकते हैं, नोकिया 2, नोकिया 3, नोकिया 5 कुछ नए वेरियंट्स। फिलहाल दोस्तों इवेंट है वो होने वाला है मॉस्को में, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली नोकिया क्या लेके आता है और क्या ये नोकिया 2, 3, 5 जो नए वेरियंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सेनहाइजर की तरफ से, और यहाँ पर सेनहाइजर ने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं अपने एक नए ईयरफोन्स, उसका नाम है मोमेंट फ्री, और यहाँ पर जो प्राइस है वो है 15,000 रुपये। अब ऐसे में दोस्तों सेनहाइजर जो है वो एक डेफिनेटली प्रीमियम ब्रांड है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि ऑन एवरेज एक अच्छे हेडफोन या फिर ईयरफोन के लिए आप कितने पैसे पे कर सकते हैं? क्या आप 15,000 रुपये दे के कोई ईयरफोन्स खरीदेंगे? ऐसा नहीं है कि 15,000 लिमिट दोस्तों है, यहाँ पे 15 लाख के भी आते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके लिए एक आइडियल ईयरफोन या फिर हेडफोन की बेस्ट प्राइस क्या होगी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है ट्विटर की तरफ से, और यहाँ पे ट्विटर जो है वो अपनी कुछ पॉलिसीज में चेंज करने वाला है, जिसके बाद में जो ट्रोल्स हैं उनको थोड़ा सा वो कंट्रोल कर पाए, काबू कर पाए, वो दोस्तों बिहेवियर जो होगा यूजर्स का उसको मॉनिटर करेगा और उसके हिसाब से पता लगेगा कि भैया जो अकाउंट है ये ठीक है या नहीं, और उसके बाद में जो भी वो नुकसान पहुँचाते हैं बेसिकली दोस्तों ट्वीट कर करके उनको थोड़ा सा शायद कंट्रोल करेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S9 S9 प्लस को लेकर,
और यहाँ पे इनका जो बर्गंडी रेड और दोस्तों सनराइज गोल्ड दो नए वेरिएंट्स हैं वो आ गए हैं मार्केट में। इससे पहले सैमसंग ने S8 का लॉन्च किया था बर्गंडी रेड वेरिएंट को, और अभी यहाँ पे लेके आ गया है S9 को भी गोल्ड और रेड कलर्स में। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको रेड कलर का फ़ोन अच्छा लगता है? मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है ब्राइट कलर के फ़ोन्स, लेकिन जो फ़ोन का फ्रंट पोर्शन है वो होना चाहिए कंप्लीट ब्लैक। ये है मेरी थ्योरी, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। उसमें अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से ही, और यहाँ पे सैमसंग अलग अलग मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, फिर चाहे वो ZTE हो या फिर कुछ और बाकी कंपनीज हो, उनको अपने एक्जिनोस चिप्स बेचने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग चाहता है कि वो अपने फ़ोन्स के अलावा भी बाकी फ़ोन्स में भी अपने चिप्स को लगवा सके। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो क्या सैमसंग की एक्जिनोस वाली चिप्स को इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कौन से मॉडल्स आते हैं, बिकॉज मीजू करता है कभी कभी, लेकिन इसके अलावा बाकी जो है वो करते हैं नहीं, वो हम देखते हैं आगे चल के क्या होता है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यार एक बहुत ही ऐसी कमाल की रिसर्च को लेकर, जहाँ पे अभी आप प्लेन टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन को छुपा सकते हैं, मतलब अगर आपने थोड़ा सा दोस्तों जो है वो फॉन्ट को चेंज कर दिया तो आप उसके अंदर सीक्रेटली अपने मैसेजेस को छुपा सकते हैं, आप उनको दोस्तों बाद में ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ये है एक बहुत ही नई कमाल रिसर्च, तो यार देख के डर सा लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आप प्लेन टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन को छुपा सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है लेजर पावर्ड एक इंसेक्ट रोबोट को लेके, जिसने अपनी उड़ान भर ली है, और यहाँ पे भैया ऑनबोर्ड जो है वो कोई भी बैटरी नहीं है, जो पावर मिलती है वो है एक लेजर बीम से, और ये दोस्तों छोटी सी मक्खी जैसा डिवाइस है, लेकिन आप समझ लो कि फ्यूचर का ड्रोन शायद यही होगा जो लेजर पावर्ड है और जो उड़ान भर चुका है, तो आगे चल के मक्खियाँ कहाँ कहाँ उड़ने वाली है आप खुद सोच के देख लो। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है नोकिया X6 को लेके, ये लॉन्च हो गया है चाइना में, और यहाँ पे जो प्राइस है वो काफ़ी कमाल रखी है, आता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ड्यूल रियर कैमरा है, बेजललेस डिज़ाइन है, नॉच वाला, और ये अगर इंडिया में दोस्तों इस प्राइस पे आ गया, क्योंकि जो चाइना की प्राइस है वो है 13-15-18 हज़ार के आसपास, दो दिन अलग अलग वेरियंट्स हैं रैम और स्टोरेज को लेके, लेकिन अगर ये इंडिया में इस प्राइस पे आता तो काफ़ी कमाल कर सकता है। देखते हैं कि नोकिया इंडिया में कुछ अच्छे वाला काम करता है या नहीं। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है लिनोवो की तरफ से, और ये है लिनोवो के दोस्तों र्यूमर्ड Z5 फोन को लेके, और यहाँ पे लिनोवो के VP ने ये कहा है कि फ़ोन आने वाला है जून में, और यहाँ पे दोस्तों ये जो बेजललेस फ़ोन है उसमें होगी 4 TB की स्टोरेज। दोस्तों 4 TB यार मतलब बहुत ही बड़ा नंबर होता है, अगर आप एंजॉय कर पाएंगे ऐसे स्टोरेज को अपने फ़ोन में तो बहुत ही कमाल हो जाएगा। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली लिनोवो का जो Z5 फ़ोन है वो कहाँ आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस प्राइस पे आता है, किस हार्डवेयर के साथ में आता है, और क्या ये कम्प्लीटली बेजललेस हो पाता है या नहीं। भाई स्टोरेज तो खुद ही बोल रहे हैं, कन्फर्म कर ही चुके हैं, तो इतने बाकी क्या बचता है इस फ़ोन में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो बस यही है कि जो सारे अपडेट्स वो ख़त्म हो गए हैं। न्यूज़ दोस्तों बस इतनी थी फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही, थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को मालूम है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है मेरे को मालूम है, लेकिन रूटीन जो है वो अपना पक्का है, आपको वीडियो मिलती है भैया फर्स्ट क्लास तरीके से रोजाना। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको चलो सुझाव हो तो आप इसे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।